आज मैं जा रहा हूं दिल्ली के सबसे रहस्यमय और डरावने सलीमगढ़ किले में, जिसका इतिहास आज से लगभग 500 साल पुराना है। और क्या मैं यहां से जिंदा वापस आ पाऊंगा? ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इस किले को दिल्ली के सबसे पुराना भूतिया किलों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां पर इंडियन आर्मी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था। और ऐसा भी बताया जाता है कि औरंगजेब अपनी बेटी जयबुनिसा को इसी किले के अंदर बंदी बनाकर रखा था, जिसकी भूख प्यास से 22 दिनों के बाद मौत हो गई। और यहां तक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि औरंगजेब की बेटी की आत्मा इस किले के अंदर भटकती है, जिससे इस किले को भूतिया किला कहा जाता है। उसकी रूह आज भी भटक रही है। औरंगजेब और अंग्रेज इस किले का इस्तेमाल यातना और फांसी देने के लिए किया करते थे। एक 60 से 70 गज के तहखाने में 100 से अधिक लोगों को बंद करके रखा जाता था, और जिस भी कैदी को यहां पर रखा जाता था या तो उसको सीधा गोली मार दी जाती थी या तो उसको तड़प तड़प